Assalamualaikum students and welcome to my channel. And here you will get some simple lectures on the simple topics. And tonight our topic will be spherical mirrors. But before we get started, please like, comment and subscribe my channel. So now we move on. Mirrors. हम लोग जानते हैं mirrors होते क्या है. Mirrors ऐसी चीज़ें को कहते हैं जिसकी एक surface polished हो जबकि दूसरी surface reflecting हो. अब ऐसे mirrors जो कि किसी sphere का हिस्सा हो उनको spherical mirrors कहते हैं. Sphere किसे कहते हैं, एक 3D shape है. लेकिन अगर इसको 2D में बनाए तो ये कुछ इस तरह की बनेगी. अब इसमें से हम जब एक स्फेयर को जब इसके अंदर से स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो इसकी कोई एक साइड ले लेते हैं. जैसे कि मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ. अब इस साइड में स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हमें एक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी. तो लेट से दैट मैंने इस साइड को कम्प्लीटली पॉलिश कर दिया. अब ऐसे मिरर्स जिसकी एक साइड पॉलिश्ड हो, एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो और वो स्फेरिकल मिरर्स का भी हिस्सा हो, तो स्फेयर का भी हिस्सा हो सॉरी, तो उसको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं. अब स्फेरिकल मिरर की जो सी साइड कोट है, यानी कि जो सी साइड पॉलिश्ड है, उसको पॉलिश्ड हमने कुछ मटेरियल से किया हुआ था. अब वो मटेरियल कौन सा होता है, वो सिल्वर की एक थिन सी लेयर होती है जिसको रेड लेड ऑक्साइड पेंट के साथ भी कोट किया गया होता है. अब ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, there are two types of spherical mirrors. अब हम spherical mirrors की दो types हैं. अब हम दोनों के नाम पढ़ लेते हैं. पहले एक है concave mirrors जबकि दूसरी है convex mirrors. अब concave और convex ये spherical mirrors की दो types हैं on the base of the surface which is पॉलिश्ड. अब पहले हम कंकेव मिरर्स की बात कर लेते हैं. कब कंकेव मिरर्स होते गए हैं, ऐसे स्फेरिकल मिरर्स जिनकी ये आउटर सरफेस देख सकते हैं. जैसे कि आउटर सरफेस जहाँ भी ये मैंने निशान से लगाए हैं, ये आउटर सरफेस है, ये जो पॉलिश्ड है. अब ऐसे मिरर्स जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो उनको कंकेव मिरर्स कहा जाता है. अब हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बढ़नी है इन स्फेरिकल मिरर्स की, तो आए उनको आज हम उन टर्मिनोलॉजीज को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी है पोल. अब पोल कहते किसे हैं, अब हमारा जो स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम पोल का नाम दे देते हैं. अब सेकेंड चीज इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, आप लोगों को मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये जो सा स्फेरिकल मिरर है इट इज़ कम्पोज ऑफ अ स्फेयर. अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दे देते हैं. अब इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके बाउंड्री तक, स्फेयर की बाउंड्री तक, मिरर की बाउंड्री तक, ये सब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. इसके आगे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी. अब प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर के दरमियान में जो के इस पोल को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन कर रही है. तब ये देखिए ये लाइन जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ की है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अब हम यही चीज़ें कन्वेक्स में पढ़ेंगे, ज़्यादा चेंज तो नहीं होंगी लेकिन फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है स्फेरिकल मिरर्स की दो टाइप्स होती हैं, पहली होती है कंकेव मिरर जबकि दूसरी होती है कन्वेक्स मिरर. अब हम कंकेव मिरर तो पढ़ चुके हैं कि ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको कंकेव मिरर कहते हैं. कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो इससे ऑपोजिट हो, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो सॉरी पॉलिश्ड हो जबकि आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कह देते हैं. अब इसकी टर्मिनोलॉजी भी सेम वही है, पोल फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और फिर प्रिंसिपल एक्सिस.
अब जब हम यहाँ पे पोल की बात करें तो सिमिलरली वही चीज़, स्फेरिकल मिरर का मिडल पॉइंट विल बी नाउन एज पोल और स्फेयर का मिडल पॉइंट विल बी नाउन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस विल बी नाउन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम वही चीज़ होगी जो पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे, उसको हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको दोनों टाइप समझ आ गई होंगी। इसके आगे हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है और फोकल लेंथ पढ़नी है। अब स्टार्ट करते हैं फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस। अब हम कंकेव मिरर्स के प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? अब आप लोगों को मैंने बताया कि कंकेव मिरर ऐसे होते हैं जिसकी आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश होती है जबकि इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। अब इनर सरफेस की शेप आपको नज़र आ रही है तो फॉर एग्जांपल केस के ऊपर जब कोई आएगी वो रे, पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब जब कोई रे आएगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगी एक पॉइंट पे। अब इसी तरह एक दूसरी रे आई, वो भी उसके साथ टकराई और वो भी उसी पॉइंट पे आग पे आएगी। इसी तरह यहाँ से भी एक रे आई और वो भी टकराने के बाद इधर ही आ जाएगी, और जबकि चौथी आएगी वो भी इधर से इधर आएगी और सो ऑन। अब इस ये पॉइंट जहाँ पे ये सारी रेज एक दूसरे से मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। और अब हमारा दूसरा सवाल फोकल लेंथ की होती है। तो फोकल लेंथ इस प्रिंसिपल फोकस से लेके इस पोल तक का डिफरेंस डिस्टेंस भी, इस डिफरेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था सिर्फ और सिर्फ कंकेव के अंदर, कंकेव के केस में ये है, लेकिन जब हम कन्वेक्स की बात करेंगे दैट इज डिफरेंट। अब हम चलते हैं कन्वेक्स की बारी। अब ये हमें कन्वेक्स मिरर एक नज़र आ रहा है, मैंने तैयार किया है। अब देखें इसकी इनर सरफेस जो है वो है पॉलिश्ड जबकि आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। अब ये आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो इसका क्या मतलब है कि रेज आएंगी टकरा के फैल जाएंगी, वो कैसे? इसकी डायरेक्शन इस तरह की, कुछ शेप इस तरह की, देखें ये रे आई टकरा के फैल जाएगी, दूसरी आई वो भी ऐसे ही, यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यहाँ से तीसरी रे सेम फिनोमेना, फोर्थ सेम फिनोमेना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका कुछ जो सी रेज इसकी रिफ्लेक्ट हुई थी इन रेज का बैकवर्ड स्टैंड कर देते हैं। ये हमने सिर्फ लेट कर लिया इसका कि ये बैकवर्ड स्टैंड हो रही है, ये देखा, ये हमने बैकवर्ड इसको स्टैंड कर लिया। तो ये बैकवर्ड जब स्टैंड करेंगे तो इस पॉइंट पे ये मिल रही है जो पॉइंट हमेशा आता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल फोकस। और सिमिलरली जैसे कि ऊपर बताया था, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कह देंगे। तो ये था कन्वेक्स मिरर के केस में और वो था कंकेव मिरर के केस में। अब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं यहाँ तक आप, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे रियलिटी में वो इस पॉइंट पे आ रहे थे जबकि इधर सिर्फ हमने फ़र्ज किया उनको पीछे को एक्सटेंड करके। अब इससे क्या पता चलता है कि देखें यहाँ पे जब रेज आई तो वो वाकई में इस पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिल गई, कंबाइन हो गई एक दूसरे के साथ। तो इस पॉइंट को जहाँ पे सब रेज आके मिली, इसको हमने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था, अब वो वहाँ पे वाकई में मिली थी। तो इसका मतलब कि वो जो सी इमेज वहाँ पे बन रही थी, रेज इमेज बनाती हैं आप लोग जानते होंगे ये, तो वो इमेज बिल्कुल रियल होगी। वो कैसे? क्योंकि उसका फोकस जो है वो मिरर के फ्रंट पे है जिसकी वजह से जो सी इमेज बनेगी वो होगी रियल। अब हम जब कन्वेक्स की बात करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है, देखो ये रेज थी, ये सब टकराई और टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज जब हो गई तो फिर ये किसी पॉइंट में नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से पैरेलल हो गई हैं, ये नीचे वाली पैरेलल हो गई हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कभी भी ये एक पॉइंट में नहीं मिल जाएंगी। लेकिन जब हम इनको बैकवर्ड स्टैंड करते हैं तो वो इस पॉइंट पे मिलेंगी जिसको हमने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया। अब जब ये हमारे सिर्फ ख्याल करने से ही एक पॉइंट बना है तो ख्याल
इस ख्यालिस्तान के इस एक पॉइंट को हम विजुअल इमेज वाला पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि देखें ये पॉइंट जो है वो हमें गेस करने से मिले। अब हम यहाँ पे वो रेस रियलिटी में नहीं थी मिल रही, हमने सिर्फ उन रेस को स्टैंड किया अपनी यानी बस उनको अपने लिए ही उनको स्टैंड कर दिया, ना कि वो रियलिटी में यहाँ पे आई। तो इस वजह से यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। लेकिन अब ये जो सी फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ अब जब हम लेंगे ना तो ये हमेशा नेगेटिव आएगी। वो क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के बिहाइंड है। जब यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है उसके बिहाइंड होने पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हमारा ये पहला टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगर यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अपना ख्याल रखें। गुड बाय।